हेलो फ्रेंड्स, टैक्सेशन ऑन पार्टनरशिप फॉर्म की थर्ड वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्या उस पर भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विल बी एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म ने ऑलरेडी यहाँ पर 30% टैक्स पे कर दिया उन प्रॉफिट्स पे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर डबल टैक्सेशन कहीं भी नहीं हो सकता। तो जो भी प्रॉफिट्स यहाँ पे पार्टनर्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारे सामने कि रेम्यूनरेशन एग्जाम्पल इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन एटसेट्रा रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अगर किसी पार्टनर्स को ये इनकम्स रिसीव होती हैं जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एज ए रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है तो पार्टनर्स को किस हेड में टैक्सेबल होंगी। तो एज पर सेक्शन 28V इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP फॉर ऑल द पार्टनर्स, सो अंडर द हेड PGBP टैक्सेबल होंगी जो भी रेम्यूनरेशन आप पार्टनर्स ने रिसीव की है, चाहे वो आपका जो इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, बोनस हो या कमीशन हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कंडीशन फॉर असेसिंग फॉर्म एज ए फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो कोई भी असेसिंग ऑफिसर किसी फर्म को एज ए फर्म असेस तभी करेगा जब ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव द पार्टनरशिप डीड एंड दैट डीड मस्ट कंटेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सो किसी पार्टनरशिप फर्म के पास उसकी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और उसका जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उस डीड के अंदर मेंशन किया होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो इट विल बी असेस्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बाय द असेसिंग ऑफिसर, जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के प्रोविजंस होंगे वो उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अप्लीकेबल होंगे, ना कि पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजंस। सो जो AOP और BOI के प्रोविजंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ टू शो बोथ इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल एज एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एज इनकम एज पर इनकम टैक्स, सो ये दोनों ही जो पहलू हैं, ये दोनों, एक एक्सपेंस होता है एक इनकम होती है, तो इनकम टैक्स के अंदर आपको इसको कैसे दिखाना है या नेट ऑफ करना है या नहीं करना। सो एज पर द इनकम टैक्स बोथ ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंस ऑफ फॉर्म शुड बी शोन सेपरेटली एंड शुड नॉट बी नेट ऑफ, यानी कि जो आपका जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर रही है फॉर्म, तो वो आपका फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, उसको आपको एक्सपेंस साइड में दिखाना है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स से चार्ज कर रही है तो उसको आपको एज ए इनकम शो करना होगा इन द P&L अकाउंट। जो एग्जाम्पल में हमें दिखा, जैसे मान लीजिए आपकी 100 इनकम है और 20 रुपये आपका एक्सपेंस है, तो आप जो नेट इनकम 80 रुपये वो नहीं दिखा सकते एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाला गया है क्योंकि आपको जो इनकम और एक्सपेंस है वो सेपरेटली शो करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता हमारे सामने आता है कि पार्टनरशिप डीड रूल्स इन केस ऑफ सेपरेट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि फर्म जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो सेपरेटली मेंटेन करती है, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो एज पर द इनकम टैक्स इफ द फर्म प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स देन द क्लोज ऑफ डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन ईच अकाउंट सेपरेटली, यानी कि अगर आपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होना चाहिए कि जो आपके जो फिक्स कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होगा और जो करंट कैपिटल अकाउंट है उस पर कोई इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना परसेंट रेट होगा, और जो आपको जो तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट उस पर आपको सेपरेटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा डीड में, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस इफ HUF इज ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, सो अगर कोई HUF पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर एडमिशन होता है उसका, तो जो उसका कर्ता होगा HUF का वो एक्ट करेगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ दैट पार्टनरशिप ऑफ दैट HUF इन दैट पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो भी जो HUF एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद तो काम कर नहीं सकती, जो HUF का कर्ता होगा वो एज ए पार्टनर वर्क करेगा इन ए पार्टनरशिप फर्म, और जो भी रेमुनेशन कर्ता को दी जाएगी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इन द रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी ऑफ दैट HUF वो अलाउ हो जाएंगी सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन लेड इन
सेक्शन 40B, यानी कि जो भी कंडीशन दी गई है कि आपने पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए इंटरेस्ट आपका जो 12% मैक्सिमम होगा, जो भी जो जनरल कंडीशन है उसको फुलफिल करते हुए जो भी आपने कर्ता को पेमेंट किए हैं इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वो अलाउ होंगे एज पर इनकम टैक्स, और जो भी आपने जो पेमेंट्स किए हैं कर्ता को इन हिज पर्सनल कैपेसिटी अदर देन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वो आपको डिसअलाउ होंगी एज पर इनकम टैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑन द टैक्सेशन ऑन पार्टनरशिप फॉर्म with more FAQs. Thanks for watching.